ओके, फाइनली बहुत सारी मशक्कतों के बाद मैं लाइव हो गया हूँ स्टेज के पेज से। तो बेसिकली गाइस, मेरा नाम है कुणाल वर्मा और आज मेरे लिए एक बड़ा स्पेशल दिन है क्योंकि आप सबने आज तक मुझे लिखते हुए देखा है, कंपोज करते हुए देखा है। आप सब लोगों ने मेरे गाने देखे हैं, मुझे काफ़ी प्यार दिया है मेरे गानों को, और काफ़ी सारे गाने हैं जो मेरे आपकी प्लेलिस्ट में हमेशा रहते हैं और आपके हमेशा मोस्ट फेवरेट गानों में वो गाने रहेंगे। तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल तो थैंक यू सो मच कि आपने मुझे इतना सारा प्यार दिया। मेरे गाने आपने सुने होंगे, मैं कुछ गानों के नाम बता देता हूँ जो मैंने लिखे हैं। उनमें से एक गाना है तुम ही आना, जो आजकल आप सबके रिंगटोन है और आप सब लोग इतना सुन रहे हो उस गाने को, तुम ही आना है। देन फिर दुनिया एक गाना आया था जो बहुत पॉपुलर हुआ था, जो मैंने लुका छुपी मूवी के लिए लिखा था। वो गाना काफ़ी फेमस स्टार्ट हुआ और उसके बाद एक गाना, उससे पहले एक गाना आया था चले आना, जो कि आप लोगों ने, आपको पता ही है, आप सबका मोस्ट फेवरेट गाना, जो अमाल ने और अरमान के साथ मैंने ये गाना किया था। तो ये था एंड सबसे पहले आप मुझे ये बताओ कि मैं अपनी डिस्क्रिप्शन सब बाद में दूंगा, क्या आप मुझे सब स्टेज के पेज पे अभी देख पा रहे हैं सब? क्योंकि मेरे पास एक क्वेश्चन आ रहा है कि आप लाइव नहीं हो, तो मुझे सबसे पहले आप ये बताओ कि क्या मैं स्टेज पे आ गया हूँ? गुलफाम, एक बार बताना मुझे कि मैं स्टेज पे लाइव दिख रहा हूँ आप लोगों को सबको अभी? ओके कूल। हाँ, तो मैं आप बता रहा था आपको कि मेरे जितने भी गाने हैं, मैं उनके एक लिस्ट आपको बता देता हूँ जो आपकी प्लेलिस्ट में हमेशा से रहते हैं, चाहे वो तुम ही आना हो, चले आना हो, दुनिया हो, पल जो अरिजीत ने गाया था वो हो, हंसी बन गए जो मेरा पहला गाना था वो हो, या मलंग का भी जो टाइटल ट्रैक आया है वो हो, घर से निकलते ही हो, ऐसे 120 गाने हैं जो आप लोगों को, शायद कुछ को पता होगा शायद नहीं पता होगा, जो मैंने लिखे हैं और जो काफ़ी बड़े हिट्स हुए हैं। तो उन गानों में से मैंने कुछ गाने सेलेक्ट किए हैं अपने, क्योंकि मैं एक खुद भी गाता हूँ और मैं खुद चाहता था कि मेरे जो ये गाने हैं, इनको मैं अपनी आवाज़ में आप लोगों के सामने लाऊं, बिकॉज़ लिखते हुए मुझे वक्त हो गया है, आप लोगों को मेरे गाने सुनते हुए टाइम हो गया है, एंड एज अ कंपोज़र मैंने अभी काफ़ी काम किया है। एज ए कंपोज़र मेरे कुछ काम आप लोगों ने सुन रखे हैं, जैसे गाना था फिर मुलाकात, चीट इंडिया में जो था, एंड एक गाना था टूटे ख्वाब जो अरमान ने गाया था, वो कंपोज़ किया था मैंने। तो उसके बाद एक गाना तो अदनान सामी सर का था, उसका म्यूज़िक मैंने किया। देन अभी एक गाना ओ जान वाले, इन दिनों में काफ़ी ट्रेंड पे चल रहा है, वो गाना मैंने कंपोज़ किया। तो ऐसे बहुत सारे गाने हैं जो आप लोगों ने सुन रखे हैं, तो एक मैशअप मैंने आप लोगों के लिए तैयार किया है। उस मैशअप में आप सब लोगों के फेवरेट 6 गाने होंगे जो आप लोगों ने सुन रखा है, और वो 6 गानों का मिला के मैंने एक मैशअप बनाया है। वो सरप्राइज़ अभी 12 बजे रिलीज़ होने वाला है कुणाल वर्मा के ऑफिशियल पेज पे। वन सेकेंड, शायद मुझे कुछ लाइव में प्रॉब्लम आ रहा है। मैं बस एक मैसेज आ रहे हैं कि मैं लाइव नहीं हूँ, मुझे एक बार दोबारा से लाइव आना चाहिए शायद, या मे बी कुछ प्रॉब्लम है शायद इसमें। वन सेकेंड, अभी भी मेरे पास मैसेज आ रहे हैं कि मैं लाइव नहीं हूँ स्टेज के पेज पे, ये मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि मैं स्टेज के पेज से ही लाइव आया हूँ बीच में, क्योंकि आपको मेरा वीडियो नहीं दिख पा रहा शायद, जैसा कि मुझे लग रहा है, क्योंकि इसमें तो लाइव लिखा हुआ दिख रहा है मुझे कि मैं लाइव हूँ। ओके, आप मुझे सिर्फ एक बार, लास्ट बार ये बताइए कि क्या मैं आपको दिख रहा हूँ, आप मुझे देख पा रहे हैं अभी?
क्या आप मुझे देख पा रहे हैं अभी? गुलफाम कोई भी अगर लाइन पे है तो मुझे एक बार प्लीज़ बताएं कि क्या आप मुझे लाइव देख पा रहे हैं अभी? ओके ठीक है, तो मैं सबसे पहले आपके लिए ना एक गाना गाना चाहता हूँ जो मेरा मोस्ट फेवरेट गाना है, जो मेरा हमेशा से बहुत फेवरेट रहा है। हंसी बन गए हाँ नमी बन गए तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए हाँ हंसी बन गए हाँ नमी बन गए तुम मेरे आसमां मेरी जमीन बन गए हाँ हाँ मेरा पहला गाना था जो मैंने लिखा था हमारी अधूरी कहानी फिल्म के लिए, और इस गाने के बाद ही मेरी पूरी जर्नी शुरू हुई है, इस गाने के बाद ही मेरी पूरी लाइफ चेंज हुई है। ये गाना कंपोज किया था अमी मिश्रा ने एंड गाया था अमी मिश्रा ने खुद ने ही, और श्रेया घोषाल ने भी एक वर्जन गाया था इस गाने का। फिल्म है, फिल्म थी हमारी अधूरी कहानी, लिखा मैंने था। तो सबसे पहले थैंक यू सो मच कि मैं इस गाने के पीछे जुड़ी थोड़ी सी आपको फ्लैशबैक में लेके जाता हूँ कि गाना मुझे मिला कैसे था। ये गाना काफ़ी वक्त पहले मैं यूं ही जब लिखा करता था तो अमी मिश्रा जो कंपोज़र है इस गाने के, वो मुझे ऐसे ही ऑर्कुट पे उन्होंने मैसेज किया था कि ब्रो कैन वी वर्क टुगेदर, ऐसा कुछ करके हमने कुछ गाने बनाए थे। तो अमी मिश्रा ने वो गाने 2014 में हंसी बन गए भट्ट साहब को जब सुनाया, तो उनका मेरे पास में इस गाने को लेकर बाद में कॉल आया कि आप मुंबई आइए और हमको ये गाना पसंद है। देन मैं मुंबई गया, उनसे मिला, मेल वर्जन फाइनल किया, फीमेल वर्जन फिर उनके साथ बैठ के किया, तब जाके ये गाना आपके सामने आया और रिलीज़ हुआ एंड गाना सुपर हिट हुआ। तो थैंक यू सो मच फॉर दिस सॉन्ग। अब बात करते हैं मेरे अगले सुपर हिट गाने की, जो इसके बाद जो मेरा गाना सबसे बड़ा हिट हुआ वो गाना था घर से निकलते ही, जो अरमान ने गाया था, अमाल ने कंपोज़ किया था। वो गाना टी सीरीज से आया था, उसको भी आप लोगों ने काफ़ी काफ़ी ज़्यादा पसंद किया, उस गाने को प्यार दिया। जनरली ऐसा होता है कि लोग हमेशा बोलते हैं कि आपने ओरिजिनल गाने को ख़राब कर दिया है, ओरिजिनल गाने को बिगाड़ दिया है। तो इस गाने को जब मैंने किया तो मुझे ये महसूस हुआ कि एक सुकून था इस चीज़ में कि मेरा फेवरेट गाना था और मुझे करने को मिला, और मैंने एक चैलेंज की तरह गाना लिया, जिसमें अमाल ने मेरे को बहुत सपोर्ट किया कि उसने थ्रू आउट पूरा कि कैसे रखना है, किस तरफ जाना है, ये सारी गाइडलाइन को मैंने फॉलो करते हुए और ये गाना लिखा था। और इस गाने को रिलीज़ होते वक्त मैं थोड़ा सा नर्वस था कि क्या होगा, लोगों का रिएक्शन क्या होगा, बट फाइनली जब ये गाना रिलीज़ हुआ एंड इतना ज़्यादा मेरे को थोड़ा जो लोग हंसी के थ्रू मुझे जानते थे, जो मुझे बोलते थे हमेशा कि दादा हंसी जैसा कुछ करो, हंसी जैसा कुछ करो, या फिर एक वो जो हंसी का एक ऑरा था, एक लेवल था, उस लेवल पे वापस जाके इस गाने ने मुझे जाके वो रिलीफ दिया कि इतने टाइम के बाद, बीच में 2 साल 3 साल का जो गैप था, उसके बाद फाइनली मेरा एक बहुत बड़ा सुपरहिट गाना है जिसका नाम था घर से निकलते ही। घर से निकलते ही से पहले मैंने अमाल ने एक गाना बनाया था जिसका नाम था चले आना, लेकिन चले आना मेरा फर्स्ट कोलैबोरेशन था अमाल मलिक के साथ में। बट हुआ ये कि वो गाना रिलीज़ बाद में हुआ, क्योंकि घर से निकलते ही पहले रिलीज़ हो गया था। तो चले आना भी आप सब लोगों ने सुना है, इतना आपका फेवरेट गाना है, उसके व्यूज़ बताते हैं कि आप लोगों ने उस गाने को कितना प्यार किया है। तो वो गाना मैंने अपनी लाइफ की एक ऐसी सिचुएशन पे लिखा था, जब उस दिन जब मैं लिख रहा था गाना तो मुझे आज भी याद है कि मैं बहुत परेशान सा था और मैं एक ऐसे ही रात को निकल गया था ड्राइव करने के लिए कि मेरा मन नहीं लग रहा था, मैं पूरी रात ऐसे अकेला घूम रहा था। देन मैं घर आया, घर आके मैंने कुछ लाइन्स लिखना शुरू करी थी एंड सुबह जब उठ के देखा तो उनमें वो लाइन्स थी, जुदाम हो गए माना मगर जान लो ये जाना, कभी मैं याद आऊँ तो चले आना। और देन फिर अमाल ने जब मुझसे बोला कि भाई मुझे गाना चाहिए ऐसा कुछ, तो हम लोगों ने जब पता चला मुझे कि मेरे पास में जो मैंने कल जो गाना लिखा है वो अमाल की सिचुएशन पे भी फिट बैठता है,
उसकी धुन पे भी फिट बैठता है। और दैट्स हाउ ये सॉन्ग बन के आप लोगों के सामने आया। बीच में मैं आपको फिर बता देता हूँ गाइस कि 12 बजे मेरा जो फेसबुक पेज है कुणाल वर्मा KUNALL VERMA उस पर मेरा एक मैशअप रिलीज़ होगा उन सभी गानों का जिन गानों को आपने आज तक सुना है, जो सिंगर जिन्होंने गाया उनकी वॉइस में पहली बार ये, और वो गाने लिखे मैंने हैं ओरिजिनली भी। तो मैं वो गाने अब खुद की आवाज़ में, मैं उस 6 गानों का एक मैशअप मैंने बनाया है जो मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ, वो आएगा 12 बजे। आप अगर देखिए, ये मेरा एक शौक है, मेरा एक पैशन है कि मुझे जो अच्छा लगता है मैं करता हूँ। मैंने राइटिंग भी कहीं सीखी नहीं थी, मैंने म्यूज़िक भी कहीं सीखा नहीं है, मैंने सिंगिंग भी कहीं सीखी नहीं है, बट राइटिंग मैंने जब आपको अपनी राइटिंग दी तो आप लोगों ने उसको दोनों हाथों से उसको गले लगाया। फिर मैंने म्यूज़िक किया तो आपने उसको भी काफ़ी पसंद किया, तो मुझे ऐसा लगता है कि जो मेरी आवाज़ है उसमें एक डिफरेंट एक टेक्सचर है, मे बी शायद वो भी आपको काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज़ करे, काफ़ी ज़्यादा पसंद आए। मैं ये तो नहीं कह सकता कि ओरिजिनल सिंगर्स, क्योंकि सब बहुत अच्छे मजे हुए सिंगर्स हैं जिनके मैशअप मैंने इस गाने में डाले हैं, जिसमें से एक अमी मिश्रा का गाना है, एक दो गाने अरमान के हैं, एक अरिजीत का गाना है, एंड एक आसिम अज़हर का गाना है, और एक गाना मैं मिस कर रहा हूँ, हाँ एक गाना है अखिल का। तो ऐसे करके 6 के 6 गाने जो हैं, जो मेरे लिखे हुए गाने हैं और आप सबके बहुत फेवरेट गाने हैं, उनका एक मैशअप बना के और वो मैं आज रिलीज़ कर रहा हूँ आपके सामने। तो मेरे फेसबुक पेज पे जाके आप देख, सॉरी मेरे यूट्यूब पेज पे आप जाके देख सकते हैं कि वहाँ एक प्रीमियर का एक लगा हुआ होगा, थंबनेल वीडियो लगा हुआ है जो 12 बजे लाइव होने जा रहा है। मेरी आप सबसे यही अपील है कि अगर आप उन सब गानों के फ़ैन हैं तो मुझे पता है कि आप उन गानों की राइटिंग के भी फ़ैन हैं, तो जिसने वो गाने लिखे हैं उनकी उसकी आवाज़ में अगर आप ये गाने सुनेंगे और तो शायद आपको एक डिफरेंट अलग तरह का एक फील आएगा कि जब शायर जब लिखता है वो जिस तरीके से लिखता है, जिस इमोशंस के साथ लिखता है, वो डिलीवर भी कर देता है। तो आई गेस कि आपको वो इमोशंस फील होंगे, वो चीज़ें जिस वक्त मैंने गाने लिखे होंगे, वो मेरा जो माइंडसेट होगा वो आप सब लोगों को काफ़ी कनेक्ट करेगा, मुझे इतना पता है। तो आई होप कि आप सब लोग जाके मेरे यूट्यूब पेज पे वो गाना देखें और उसमें सब कुछ डिटेल्स दी हुई हैं, आप वो सब चीज़ें आप शेयर करना। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये गाना जो ये मैशअप है वो बन कैसे रहा है। इस मैशअप को बनाने के लिए जो स्टेज जिस पे मैं लाइव हूँ, स्टेज जो है वो इसका पार्टनर है और स्टेज ने पूरा सपोर्ट किया है। ये जो गाना है वो सॉन्गस्टर की तरफ से आपको एक गिफ्ट है। सॉन्गस्टर जो मेरा एक ब्रांड है जिसमें मैं एज ए कंपोज़र काम करता हूँ, जो मेरा एज ए कंपोज़र नेम है सॉन्गस्टर, उसका और स्टेज का एक कोलैबोरेशन है, ऑफिशियल कोलैबोरेशन है कि इन हम दोनों ने मिलके ये गाना आपको प्रेजेंट किया है कि एक सिंगर अपनी वॉइस में, फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि कोई बॉलीवुड राइटर अपनी वॉइस में आपको उसी के जो सुपरहिट गाने जो अदर सिंगर्स के गाए हुए हैं वो आपको प्रेजेंट करने वाला है। तो बेसिकली इसके पीछे यही आइडिया था कि मुझे मेरे वर्ड्स आप तक पहुँचे हैं, मुझे मेरी आवाज़ भी आप तक पहुँचानी थी, तो मेरा यही था कि जो एक मुझे लगता है कि एक मेरे अंदर एक सिंगर बसता है, मेरे अंदर एक रूह है सिंगर की, तो शायद वो आपके दिल में उतरे और आपको एज ए सिंगर भी मैं पसंद आऊँगा, ऐसा है। तो सुनिएगा जाके ज़रूर वो गाना, उसका प्रीमियर मैं लाइव इस पे फेसबुक पे अभी आपको यूट्यूब में आपको दिखाऊंगा, जब गाना रिलीज़ हो रहा होगा तो मैं आपको लाइव इस पे वो चीज़ दिखाऊंगा कि ये देखिए गाना रिलीज़ हो रहा है अभी, तो वो आप सब अभी लाइव देख सकेंगे एग्जैक्ट 12 बजे जब वो लाइव होगा। 14 मिनट है अभी हमारे पास में, हम काफ़ी सारी बातें करते हैं और अपलोड म्यूज़िक लवर्स ऑफिशियल ने बोला है कि अपलोड कर दो जल्दी से, बट टाइम ऑलरेडी सेट है इसका, टाइम फिक्स कर रखा है 12 बजे गाना इसका वीडियो, ऑफिशियल वीडियो ऑन एयर हो जाएगा, तो आप उसकी टेंशन ना कीजिए। और मैं आपको अभी ये भी बता देता हूँ कि मैं मेरे होम टाउन में हूँ, मैं मेरे गांव में हूँ, और लॉकडाउन की वजह से मैं यहाँ पे काफ़ी नेट का प्रॉब्लम रहता है और मुझे ये भी नहीं पता था कि मेरे को
मुंबई से मैं आ रहा था क्योंकि उस वक्त लॉकडाउन नहीं था, मैं कुछ दिन पहले आ गया था, तो मुझे ये नहीं पता था, तो ना मैं लैपटॉप लेके आया था ना यहाँ पे इंटरनेट चलता अच्छे से। तो मैं अपनी सिस्टर के घर आके और उनके जो पुराना लैपटॉप है उसको ऑन करके सारे काम कर रहा हूँ। और फाइन उन एक मैं मेरे गांव में हूँ और यहाँ पे मैं ये आपसे लाइव कर रहा हूँ, तो काफ़ी मशक्क़त से मैंने फाइनली ये काम किया है आप लोगों के लिए, क्योंकि मुझे आना था, आप लोगों से मिलना था, आप लोगों को बताना था कि एक ऐसी चीज़ मैं लेके आ रहा हूँ आप लोगों के लिए। मैं देख रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से फैंस का जो रिएक्शन है, जो मैंने टीज़र डाले हैं, जो जो मैंने टीज़र अपलोड किए थे, वो टीज़र्स काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, क्योंकि उसमें अलग अलग गानों के जो जो मेरे एल्बम सॉरी मेरे जो मैशअप में 6 गाने हैं उनके जो सॉरी एक मैसेज आ रहे थे बीच में, तो उनमें से मैंने कुछ गानों के, जैसे मैंने दुनिया का टीज़र काट के डाला था जो इस मैशअप में है, उसको बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है और वो ऑलरेडी वो काफ़ी लोग शेयर कर रहे हैं जो मेरे फैंस हैं, जो दुनिया गाने के फैंस हैं। एक मैंने छोटा सा एक टुकड़ा काट के डाला था चले आना का, जब 1 साल हो गया था अभी पिछले हफ्ते, तो मैंने उसका भी एक कटिंग एक छोटा सा कट निकाल के रिलीज़ किया था और वो भी काफ़ी लोग शेयर कर रहे हैं। तो सब लोग बोल रहे हैं कि भाई मैशअप कब आ रहा है, मैशअप कब आ रहा है, तो फाइनली आज वो दिन है जब वो मैशअप आ रहा है। आपको अगर कुछ मुझसे पूछना हो, मुझसे बात करनी हो, तो आप बेशक मुझसे पूछ सकते हैं। मोहित मोहित भी लाइन पे है, मोहित यूज़ टू असिस्ट मी, बट अभी वो लॉकडाउन की वजह से अपने गांव में अपने घर पे, इज़ अ वेरी गुड सिंगर गाइस, तो उसने भी मोहित ने इसमें बैकिंग वोकल्स की हैं अमर कश्यप के साथ में। अब मैं आपको इसके बेसिक जो मेन जो क्रेडिट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि इस गाने में किन किन लोगों ने अपना इस पूरे मैशअप में किस किस लोगों ने किन किन ने मिलके ये मैशअप को पॉसिबल बनाया है। सबसे पहले बता दूं कि अमर कश्यप जिसने पूरा अरेंजमेंट किया है, गिटार्स बजाई हैं, आदित्य देव जो इंडिया के टॉप मोस्ट जो म्यूज़िक प्रोड्यूसर्स हैं उन्होंने इस गाने को मिक्स मास्टर किया है, वो भी मेरे यहाँ आने के बाद लॉकडाउन में मैंने ये गाना उनको बोल के और रिक्वेस्ट करके रहा उनके भाई प्लीज़ कर दो, एंड थैंक यू सो मच आदि भाई, आपने बहुत क्विकली और बहुत अच्छा मिक्स किया। और इसमें जो बैकिंग वोकल्स किए हैं वो अमर कश्यप और मोहित वर्मा ने किया है जो बैकिंग्स वगैरह है सारी। इसके बाद आते हैं कि इसका वीडियो जो बनाया है, तो आई एम सो सॉरी गाइज अगर मैं कोई नाम मिस कर दूँ तो, बट जो मुझे याद है मैं सबके नाम लेता हूँ। इसका जो डायरेक्शन किया है वो है अर्पित गंगवाल, और इसका जो डीओपी हैं वो है आशीष गर्ग, जो एडिटर हैं वो आशीष हैं, और हम सोनू कुमावत करके हैं वो हैं। एंड इसका जो आप देख रहे होंगे जो फ़ोटो थी जो क्लिक की थी और जो एडिट की थी वो राहुल कुमावत ने एडिट करी थी, अमित कुमावत ने इसको पूरा जो ग्राफिक आप देख रहे हो वो एडिट किया है, जो जो भी आप पोस्टर वगैरह सब देख रहे हैं वो है, और आशीष की पूरी टीम इसका जुड़ी हुई थी जिन्होंने इसको पॉसिबल बनाया। मैं उन सब लोगों को भी बता दूं, सब लोगों को भी थैंक यू बोल देता हूं जो इस मैशअप में उस वक्त वहां मौजूद थे और इसका एक हिस्सा बने थे, तो मेरा उनको भी थैंक यू है दिल से। तो गाइस आपके कोई सवाल जवाब हो, माफ़ करना आपके सवाल थे बीच में लेकिन मैं भूल गया, मैं थोड़ा सा बातें करने में थोड़ा सा बिजी था, तो मैं अपनी वो कहानी बता रहा था, अपनी चीज़ें बता रहा था कि गाना बना कैसे और किस तरह से बना। मेरे पास में मोस्टली काफ़ी सारे राइटर्स का एक के सवाल आते रहते हैं, काफ़ी सारे राइटर मुझे मैसेज करते रहते हैं जिनकी एज है तकरीबन 15 से 20 साल के बीच में वो लोग होते हैं, और अच्छी बात है कि आप फॉलो करते हैं, आपको मेरी राइटिंग पसंद आती है। मैं भी बहुत सारे लोगों को पढ़ा करता था, सुना करता था, तो जब मैं उनको मैसेज करता था कि सर आई एम योर बिग फैन और ये वो, तो मे बी उनको भी बहुत अच्छा लगता होगा, तो मुझे भी वैसे ही बहुत अच्छा लगता है जब आप लोग मैसेज करते हैं। बट कुछ चीज़ें हैं जो मैं यंगस्टर्स को बताना चाहता हूँ थोड़ी सी, कि मोस्टली जो कॉमन क्वेश्चन मेरे पास में आता है वो एक क्वेश्चन ऐसे होता है कि भैया ये मेरे पास 4 गाने पड़े हैं और ये गाने आप ले लो बेच दो, तो वो जो एक उनकी जो बात है कि ये गाने ले लो और आप बेच दो, वो मुझे कहीं पे समझ नहीं आती है, क्योंकि आप अगर बेचने के लिए राइटिंग कर रहे हो तो फिर मत करो, ज़्यादा अच्छा है। और उस एज में आप गाने बेचने की बात सोच रहे हो,
जिस एज में आदमी सिर्फ इंसान अपने सिर्फ जिंदगी के एक्सपीरियंस कर रहा होता है और वो सब लिख रहा होता है, तो वहाँ पे ये गाना ले लो गाना बेचने वाली बातें नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले आप एक टाइम दो खुद को जिसमें आप अपनी राइटिंग को पॉलिश कर सको, अपनी जो ज़िंदगी है वो एक राइटर की तरह जी सको, एक एक मोमेंट जो आपके लाइफ में होता है उन चीज़ों को ऑब्जर्व कर सको। उसके बाद ये चीज़ें स्टार्ट होंगी जब एक लेवल पे आने के बाद आपको लगेगा, क्योंकि चार या पांच गाने रखने से आपके चार या पांच गाने फिल्म में आ भी गए उसके बाद क्या, क्योंकि इंडस्ट्री में काम ऐसे होता है कि आप अगर हर बार नया गाना लिख सकते हो, आप 1000 गाने लिख सकते हो, तो उनमें से मुश्किल से 20-50 गाने रिलीज़ होते हैं। आप में अगर वो पोटेंशियल है आपको लग, क्योंकि पोइट्री एक डिफरेंट टॉपिक डिफरेंट सब्जेक्ट है, लिरिक्स एक बहुत ज़्यादा डिफरेंट सब्जेक्ट है। पोइट्री में कोई ऐसा बाउंडेशंस नहीं होती, कोई ऐसी चीज़ें नहीं होती कि जो हम जो चाहते हैं हम वो लिख सकते हैं। मैं जब पोइट्री करता था तो मेरे को बड़ा मज़ा आता था उनमें, और मैं काफ़ी पोइट्रीज करता था। काफ़ी लोगों को पता नहीं है, मैं अपनी कुछ पोइट्रीज अभी आपको सुना भी देता हूँ, कि कुछ लोगों को डाउट रहता है कि कुणाल भाई सिंपल लिखते हैं और उनको हमेशा सिंपल राइटिंग आती है। मैं आपको बता दूँ कि मैं सबसे पहले शायर था और मैं शायरियाँ ही बड़ी करता था, शायरियाँ ये सब ही पोइट्री ये सब करता था। लेकिन बाद में मुझे लगा कि एक लिरिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पे मेरी बात मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुँचा सकता हूँ, तो मैंने उसकी स्टडी अलग से की और वो चीज़ें फॉलो करके समझ के सीख के और आगे बढ़ा हूँ अपनी लाइफ में। तो मैं आपको भी चाहता हूँ कि आप पहले हर एक चीज़ समझ लो इसकी जो भी है। ओके, मैं कुछ अपनी शायरी आपको सुनाता हूँ, आज जो जिन लोगों को ये डाउट है कि कुणाल को ईजी लिखना आता है, तो कुछ 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 मुझे याद आएंगी, मैं आपको सुनाता रहता हूँ, क्योंकि अभी रिलीज़ होने में 7 मिनट है, 7 मिनट तक मुझे आपसे बातें करनी है और मैं बहुत ज़्यादा बातें करता नहीं हूँ, तो मुझे अपने आप को कंटिन्यू रखना है आप लोगों के साथ में, ताकि आप लोगों को इंटरेस्ट बना रहे, आप लोग जुड़े रहें। ओके, तो एक मैं आपको एक शायरी सुनाता हूँ कि जो शायर लोग जो होते हैं उनकी ज़िंदगी खुशियों से नहीं चलती, उनका घर खुशियों से नहीं चलता है, उनका घर चलता है कि वो जो तकलीफ एक हल्की सी रहती है ना, वो उसको जीना चाहते हैं हमेशा। वो चाहते हैं खुश रहें मगर वो रह नहीं सकते, तो कह सकते हैं कि दर्द उनकी खुराक है। तो मैंने लिखा था कि बारिश के मौसम में जैसे दरख्त हरा होता है, दरख्त बोलते हैं पेड़ को बोलते हैं, कि बारिश के मौसम में जैसे दरख्त हरा होता है, पनपता हूँ मैं भी जब दर्द भरा होता है। रोने वाले झूठे बहाते हैं आंसू, हलक नहीं खुलता जिसका कोई मरा होता है। वर्कों को खोलना बंद किताबों से पूछ, तेरे कुर्बत में सूखे हुए गुलाबों से पूछ। वर्कों को खोलना बंद किताबों से पूछ, तेरी कुर्बत में सूखे हुए गुलाबों से पूछ, मैं कौन हूँ आया कहाँ से, मैं कौन हूँ आया कहाँ से, फरमाइए क्या काम है, ये बातें हैं पर्दा नशी नबे नकाबों से पूछ। तू कहती है मुद्दत हुई हम ना दिखे, तू कहती है मुद्दत हुई हम ना दिखे, मैं कब ना आया तेरे हिजाबों से पूछ। वर्कों को खोल न बंद किताबों से पूछ, तेरी कुर्बत में सूखे हुए गुलाबों से पूछ। गालियां धुतकारियां पत्थर भी बरसा दिए, गालियां धुतकारियां पत्थर भी बरसा दिए, जमाने ने नवाजा है किन खिताबों से पूछ। वर्कों को खोल न बंद किताबों से पूछ, तेरी कुर्बत में सूखे हुए गुलाबों से पूछ। और कुछ और मैं आपको सुनाता हूँ कि जैसे एक मेरी बड़ी फेवरेट एक पोइट्री है, मैं आपको सुनाता हूँ। दो प्यार करने वाले जब अलग हो जाते हैं इस कमिटमेंट के साथ कि खुश रहो हमेशा अपनी लाइफ में, हमेशा खुश रहना, और जाने का कोई बहाना नहीं होता, बस जाना होता है,
मजबूरी को बहाना बना सकते हैं, कुछ भी चीज़ होती है जिन्हें अलग होना होता है वो हो जाते हैं। तो ऐसे ही दो लोग जब अपनी लाइफ में अलग हो जाते हैं जो एक दूसरे के बिना जी नहीं सकते, लेकिन जो एक जो होता है वो हमेशा इंतज़ार करता है और दूसरा अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाता है। लेकिन वो अपनी लाइफ में जब बढ़ जाता है, किसी और के साथ उसकी शादी हो जाती है, किसी और के साथ ज़िंदगी बिताने लगता है, एक टाइम ऐसा आता है जब उसको लगता है कि नहीं, मैं जो छोड़ के आ गई वो मेरी लाइफ है, वो मेरी ज़िंदगी है, अब मुझे वापस उसी के पास जाना है। एक वक्त आता है जब उसको ये एहसास होता है। तो जो लड़की थी वो वापस अपने प्यार करने वाले के पास जाती है और उसे बोलती है कि, उसे फ़ोन करती है कि मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। तो वो लड़का बोलता है कि तुम मुझसे मिलना क्यों चाहती हो, तुम्हारी लाइफ तो तुम आगे बढ़ चुकी हो, अब तो मुझे तेरे बिना रहने में ज़्यादा मज़ा आता है, तो मैं शायद नहीं मिल पाऊँगा। तो लड़की बोलती है कि कुछ भी नहीं बदला है, सब कुछ वैसा है जैसा तुम, जैसा हम लोग, तुमने छोड़ा था वैसा का वैसा ही है, मैं ज़रा भी नहीं बदली हूँ, तो मुझे एक बार मिल लो, तुम्हें पता चल जाएगा कि मैं नहीं बदली हूँ। दोनों की मुलाकात होती है तो वो उसको गले से लगा लेती है लड़के को कि आई मिस यू, ये वो सब चीज़ें, सब बातें होती हैं, और लड़के को कुछ फील ही नहीं होता है बिकॉज उसको लगता है कि काफ़ी चीज़ें बदल गई हैं। तो लड़की बोलती है कि देखा ना, सब कुछ वैसा ही तो है। तो लड़का बोलता है कि तुम वो कश्मकश, वो उलझन कहाँ छोड़ाए, मेरे बिना जो उदास रहता था वो मन कहाँ छोड़ाए, क्यों तेरी सांसों की महक मेरे जिस्म तक नहीं पहुंची, मेरे छूने से जल उठता था वो बदन कहाँ छोड़ाए। तो कहते हैं कि सब कुछ बदल गया है, पुरानी समझ कर कहीं तुमने फेंक तो नहीं दी, पुरानी समझ कर कहीं तुमने फेंक तो नहीं दी वो यादों की कतरन कहाँ छोड़ाए, मेरे बिना जो रहता था वो उदास मन कहाँ छोड़ाए। तो ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो मैंने अपनी लाइफ में लिखी है, मे भी हो सका तो कभी किताब के रूप में आपको मिलेंगी। अब मैं बात करता हूँ गाने की, गाना रिलीज़ होने जा रहा है, तो मैं एक बार देख लेता हूँ कि क्या स्टेटस है, क्या हो रहा है। वन सेकेंड, ये आपके सामने मैं इसको रख देता हूँ। बहुत मैसी मैसी सब कुछ हो रखा है यहाँ पे, बिकॉज मैं मेरी सिस्टर के घर पे हूँ। आप गाना लाइव देख सकते हैं, जब गाना प्ले होगा तो डेफिनेटली मैं आपको दिखाऊंगा कि हो रहा है। मैं भी पहली बार कर रहा हूँ, कोई मिस्टेक हो जाए तो प्लीज़ मुझे एक थोड़ा सा माफ़ कर देना। और ये गाना अब लाइव जा रहा है, लेट्स सी। अभी तक रिलीज हो जाना चाहिए था बट अभी तक हुआ क्यों नहीं ये समझ मुझे नहीं आ रहा। अच्छा, काउंटडाउन हो चुका है शुरू। मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ और आई होप कि आप लोग भी काफ़ी एक्साइटेड होंगे इसको सुनने के लिए, कि मैं तो काफ़ी दिन से सुन रहा हूँ बट मैं चाहता हूँ कि आप मेरी आवाज़ सुनिए और आप जज कीजिए, आप पसंद कीजिए, पता चलेगा कि किस तरह का मैंने, मेरी कोशिश कहाँ तक कामयाब रही है। तो मेरा दिल थोड़ा सा धड़क रहा है, फिंगर्स क्रॉस्ड है, बस शुरू होने वाला है, लास्ट 40 सेकेंड्स बची हुई है, आने वाला है गाना। आप लोग जाइए, मैं आपको 30 सेकेंड्स बचे गाइस।
20 seconds. The second 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. और ये आपका मैशअप. माफ कीजिएगा थोड़ी सी आवाज कम है बिकॉज स्पीकर का बंदोबस्त नहीं हो पाया था. मन था बड़ा ऑफिशियल वीडियो आपको मिलेगा के कुणाल वर्मा KUNALVERMAA फेसबुक पेज पे आप जाइए और देखिए वीडियो. था रहेगा भी करे क्या दिल है दीवाना, कभी मैं याद आऊं तो चले आना चले आना. चीज चलना तेरे बाद रह गई. तेरे नाल रह गई ऐसे क्यों बदल गया, क्या कोई है मिल गया, दिल पूछता है क्या कहूँ. मैं ही थम सा गया, हाथ में हाथ जो दे गया, हंसू में जब This is your favorite song, हंसी बन गए. संभलने लगे जब से जाना तुम्हें, तेरी ओर चलने लगे, हम बदलने लगे, गिरने संभलने लगे जब से जाना तुम्हें, तेरी ओर चलने लगे. हर सफर हर जगह हर कहीं बन गए, मानते थे खुदा और हाँ वही बन गए. हाँ हंसी बन गए, हाँ नमी बन गए, तुम मेरे आसमान. सो गाइज ये था मेरा मैशअप. अब आप जाइए, आपको ये मैशअप मिलेगा मेरे फेस मेरे मैं बार बार फेसबुक बोल रहा हूँ, मेरे